अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कौन सा बेस्ट विटामिन सी सीरम है मेडिकेटेड, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होममेड विटामिन सी सीरम की रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप कोई अच्छा सा होममेड सीरम हमें बनाना सिखाएं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस सीरम का। होममेड विटामिन सी सीरम के 5 बुनियादी फ़ायदे ये हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, 100% ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता और ये बहुत आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही चीप बनता है, बहुत ही सस्ता बनता है, इसीलिए ये DIY है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अपनी रेसिपी के लिए हमें ये 2 ऑरेंजेस लेने हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका थोड़ा छिलका मोटा होना चाहिए इसके रेसिपी के लिए। तो हमने सिर्फ इसका जेस्ट ऊपर से उतारना है, इसको पूरा पील नहीं करना। मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ कि ये देखें, ये पूरा इसका पील है, ये इसका जो वाइटर पार्ट है, हमें सिर्फ इसका ये आउटर पार्ट, इसको कहते हैं जेस्ट, हमने सिर्फ इसका ये रिमूव करना है और ये वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से हम इसका सिर्फ ऊपर का जेस्ट ग्रेट करेंगे। तो ये सबसे ही चीप समझे सीरम है जो आप इजीली और बगैर किसी टेंशन के यूज़ करेंगे अपनी पूरी स्किन पे। इसी तरह हमें दूसरा ऑरेंज का भी जेस्ट उतारना है। ये आप इजीली घर में बना सकते हैं और मेरी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी एक चीज़ अगर आपकी स्किप हो गई, इसमें जो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स मैं और डालूँगी, तो समझा फिर आपका विटामिन सी सीरम बिल्कुल सही नहीं बनेगा। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसका पूरा प्रोसीजर देखना है कि मैंने क्या क्या डाला है, कितना ऐड किया है, कितनी क्वांटिटी ऐड की है, तो आपने उसी हिसाब से उसी मेजरमेंट से सारी चीज़ें डालनी हैं। और मैं इसके साथ साथ जो जो चीज़ें डालती जाऊँगी उनके बेनिफिट्स आपको बताती रहूँगी, कि जब वो सारे बेनिफिट्स आपको मालूम होंगे, जेस्ट से तो मैंने आपको बता दिए हैं, और उन चीज़ों के भी जब बेनिफिट्स आपको मालूम होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल विटामिन सी सीरम आपका घर में तैयार हो रहा है, जो आप आराम से अपने फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, सब जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चीप बनता है, बहुत ही रीज़नेबल। जो जो चीज़ें मैं डालूँगी सब आपके घर में मौजूद होती हैं, तो आप बगैर किसी टेंशन के आराम से इसको अपने फेस पे भी यूज़ करेंगे, हाथों पे भी, आपके हाथ भी शाइनिंग करेंगे, स्किन वाइट होगी और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो देखें, ये मैंने दोनों ऑरेंजेस का जेस्ट उतार दिया। अब मैं आपको दोनों ऑरेंजेस का फेस भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह हो जाएगा। जो इसके ये वाइटर पार्ट है ये हमने नहीं उतारना, सिर्फ हमने इसका जेस्ट उतारना है। अच्छा, अब ये देखें इसके जेस्ट में, ये देखें इसमें कितना ओरिजिनल अपना, ये देखें ऑयली होता है कि आप ये फुल होता है। अच्छा, हमने इसके जेस्ट पे जो हैं एटलीस्ट 2-3 टीस्पून लेना है। ये 2 ऑरेंजेस में से आपके इतना ही निकलेगा, 2 या 3। ये हमने सारे जेस्ट इसमें डाल दिया। अब इसमें हमने ऐड करना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपको पता है कि बहुत ही अच्छा टोनर का काम करता है, हमारी स्किन को फ्रेश करता है, तो ये हम डालेंगे इसमें 6 टीस्पून। अर्के गुलाब हमने 6 टीस्पून डालना है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा जितनी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपका सीरम प्रॉपर अच्छा बने। अच्छा, अब हमने इसमें देखें ये डाल दिया है अर्के गुलाब, अब हमने इसको ब्लेंड करना है। देखें आप, ये आपने ऐसे ब्लेंड करना है। और अच्छा, एक बात और बता दूं कि आपने इसको बॉईल नहीं करना, इसके जेस्ट को सिर्फ ब्लेंड करना है।
क्योंकि इसको बॉयल अगर हम करते हैं तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। आप इसका कलर देखें, चेंज होता जा रहा है, इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये प्योर आपको वाइटामिन सी सीरम निकल रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे आपने इंग्रीडियंट मिक्स करना है। सारा आपने निकाल लेना इसमें से, इसका पल्स जितना भी लिक्विड है, जूस है, ताकि अच्छी तरह से ये स्ट्रेन हो जाए। फिर आप इसको प्रेस करके जितना भी दाग इसमें हो ये देखें, सारा इसका आपने पूरा जूस निकाल लेना है इस तरह आपने प्रेस करके। और ये ख्याल रखना है कि इसका बिल्कुल भी ये जो जेस्ट है ये ना जाए, बस सिर्फ इसका जूस आए, ताकि आपका फाइन रिफाइन बिल्कुल सीरम बने। तो जी ये देखें कलर इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल ओरिजिनल। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और कितनी करनी है। सबसे पहले हमने इसमें रोज़ वाटर डाल दिया है, इसको हमने छान लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर भी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके स्किन के दाग धब्बे उनको कम करते हैं, डार्क स्पॉट्स को कम करते हैं, आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म करते हैं। यह है मेरा एलोवेरा जेल 1 टीस्पून। अच्छा, एलोवेरा जेल में मैं आपको बताऊँ इतना एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन ए सी ई जो होते हैं ये तीनों पाए जाते हैं, जो हमारे दाग धब्बों को कम करते हैं, हमारे स्किन का जो रंग है उसको हल्का करते हैं, और सैलिक एसिड होता है इसमें जो हम क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, हमारे स्किन को जो है वो क्लीन करता है। उसके बाद हम डालेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का भी मैं आपको बता दूं, ग्लिसरीन भी हमने 1 टीस्पून डालनी है। वेजिटेबल ग्लिसरीन मैंने इस्तेमाल की है, और ग्लिसरीन भी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज लाती है हमारी स्किन पे, जिसकी वजह से हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वाइटामिन सी के तो मैंने आपको पहले ही फ़ायदे बता दिए, पर जब हम इसमें एसेंशियल ऑरेंज ऑयल डालेंगे तो फिर इसके बेनिफिट्स दुबाला हो जाएंगे। ये भी 1 टीस्पून आपने डालना है। विटामिन सी जो है हमारे स्किन के कोलेजन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन फर्म रहती है, तो ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल बियॉन्ड के। तो ये मैं एक कैप्सूल ले रही हूँ, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रिंकल्स को फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, और आपकी स्किन का टोन को फेयर करता है। अच्छा ये देखें, ये हमने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अच्छा अब हमने इसको इस तरह मिक्स करना है कि इसके सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखें, अच्छा इसको देखें अच्छी तरह मिक्स करना है, सब बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा अगर आप लोगों के पास ऑरेंज ऑयल ना हो तो आप इसमें आलमंड ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आलमंड ऑयल भी ना हो तो आप दोनों ऑयल को स्किप कर दें और सिर्फ सिंपल ये चीज़ें डाल दें जो मैंने आपको बताएंगे। तो अब हम इसको बॉटल करेंगे, बॉटल में डालेंगे। तो ये मैं आपको बता दूँ विटामिन सी कि वो एक्टिव फॉर्म जो स्किन में जाकर उसे ठीक करता है वो होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड। ये लाइट में रखने से ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा डार्क कलर की बॉटल ही इसके लिए यूज़ करनी है, और उसमें हमें ये डालना है इस तरह। चलिए मैं आपको डाल के बताती हूँ ये किस तरह डालना है। ये देखें, मैंने भी ये डार्क कलर की एक ऑरेंज कलर की बॉटल ली है, ताकि ये इसमें ख़राब ना हो। आपने इसका कलर देखा है कितना खूबसूरत आया है ऑरेंज, ये मेरा फुल हो गया है।
ये देखें इस तरह की डार्क कलर की कोई भी आप बॉटल ले सकते हैं जिसमें आप ये रखें, और इसको आपने मैक्सिमम 10 डे यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और जब आप ये फील करें कि इसका कलर चेंज हो रहा है तो आप समझ जाएं कि ये ख़राब हो गया है, और फिर आप इसको नेक्स्ट न्यू नया बना लें। और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है, डार्क कलर की बॉटल में रखना है लाजमी, वरना ये सीरम ख़राब हो जाएगा। और इस सीरम का जब कलर चेंज होने लगे तो आप समझ जाएं ख़राब हो गया है, तो आप फिर इसको फेंक दें और फिर दूसरा न्यू सीरम बना लें। तो एटलीस्ट आपका 10 डेज तो चल जाएगा। तो अब मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आपने इस तरह इसको ओपन करके फ्रिज से निकाल के पूरा एक ड्रॉपर लेना है, फुल भर कर 1 टीस्पून के जितना। मैं आपको अपने हैंड पे लगा के बता रही हूँ, आपने पूरा फुल भर के लेना है। आप इस तरह इसको फेस पे मसाज करें, अपने हाथों पे अच्छी तरह करें, तो आप देखें आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी, हाथ पैरों का रंग भी साफ़ होगा, आपके फेस का रंग भी साफ़ होगा। और इसको आपने रोज़ यूज़ करना है, इससे आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स जो होंगे ख़त्म होंगे, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, और जो सन स्पॉट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके यूज़ करने से आपका जो फेस है की स्किन है वो बेबी ग्लो पेगा, बेबी स्किन की तरह आपको फील होगी। ये देखें आप। अच्छा, इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो रात का टाइम है, इसको आपने सन लाइट में यूज़ नहीं करना है। आप रात को इसको यूज़ करें, सोने से पहले आप सबसे पहले अपना फेस वॉश करें और उसको ड्राई करें, उसके बाद आपने पूरा एक ड्रॉपर भर के लेना है, अपने हाथ में लेना है और दोनों हाथों से मल के अपने स्किन फेस पे लगाना है। फिर फेस पे लगाने के बाद आपने इस तरह अपने हाथों के भी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और जो लोग दिन में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन दिन में वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो बाहर ना जाते हों, जिनका आउटडोर कोई काम ना हो, घर के अंदर रहते हों, तो वो पहले ये विटामिन सी सीरम लगाएं और फिर उसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीरम ये वही बोथ लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेरे भाई हजरात भी यूज़ करें, लेडीज़ अपने आप भी यूज़ करें, अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपने फादर को, सबको यूज़ करवाएं। अच्छा, मैं आपको इसका यूज़ करने से पहले ज़रूर बता दूँ कि कोई भी सीरम या कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका सबसे पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगा के एक दिन रात में सो जाएं कि उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर आप सुबह उठते हैं आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, कुछ नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट डे से आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हर सीरम के लिए है, कोई भी जब भी आप क्रीम सीरम यूज़ करते हैं तो उसका आपने पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना एक दिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से आपने अपना ये सीरम या क्रीम जो भी आपको यूज़ करनी है वो करनी है, ठीक है। चलें, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।